ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते बढ़ रही दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए गुड़गांव पुलिस ने बुधवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सभी क्षेत्र की पुलिस भी सड़कों पर नजर आएगी। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में अधिकांश कारण ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना रहता है। यदि वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करें तो सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। इसी को देखते हुए वाहन चालकों ने ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता लाने के लिए बुधवार को गुरुग्राम पुलिस जीरो टॉलरेंस डे मनाएगी। पूरा दिन जहां वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा तो वहीं उनके चालान भी काटे जाएंगे। गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों का मानना है कि जीरो टॉलरेंस डे पर लोगों के साथ जहां कुछ सख्ती की जाती है तो वहीं उन्हें जागरूक भी किया जाता है। 28 सितंबर को हुए जीरो टॉलरेंस डे देने गुरुग्राम पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 16,000 वाहन चालकों के चालान काटे थे। इस बार बुधवार को होने वाले जीरो टॉलरेंस डे पर पुलिस को उम्मीद है कि लोग नियमों का पालन करेंगे और पुलिस की कार्रवाई से बचेंगे। सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने से जहां आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं वहीं दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। डे मनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि गुड़गांव की जनता को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर करना और उनको ये बताना कि ट्रैफिक नियमों की ज्यादा से ज्यादा पालना करें। और इसी के तहत ही टाइम टू टाइम गुड़गांव पुलिस जीरो टॉलरेंस डे मनाती है। पिछले मंथ भी हमने 28 तारीख को जीरो टॉलरेंस डे मनाया गया था जिसमें करीब 16,000 के करीब चालान गुड़गांव पुलिस द्वारा किए गए थे जो ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे थे। इसी तरह से कल दिनांक 25 को भी जीरो टॉलरेंस डे के रूप में ये डे मनाया जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के जो वायलेटर्स हैं उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना करते पाए गए तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में चालान किए जाएंगे।